सो ही गाइस, सो सब वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और भाई इस वाली वीडियो में आपको देने वाला हूं टॉप 10 एपिक मोड एंड ऐड ऑन फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेशन, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड बहुत ही ज्यादा एपिकेस्ट मोड है भाई। एंड जितने भी मोड्स एंड ऐड ऑन्स इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, उनके सबके क्रिएटर को यार रिस्पेक्टली क्रेडिट है एंड सपोर्ट है भाई, मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है भाई। कुछ टेंशन मतलब आप क्रिएटर्स लोग, आप सिर्फ यार मोड बनाओ यार हमारे लिए, बस और कुछ नहीं। और फुल क्रेडिट फुल सपोर्ट है भाई। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मिलेंगे वो सब ऑफिशियल क्रिएटर के वेबसाइट के हैं। ऑफिशियल क्रिएटर के वेबसाइट के जितने भी मोड्स आपको मैं दूंगा सबके भाई, ऑफिशियल क्रिएटर जो हैं, जो भाई ये मोड को बनाए हैं, उनके सबके वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना? 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाए तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर याद रखते हो? 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शेर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। एंड भाई इस बार का भी आपने लाइक गेम कंप्लीट कर दिया यार, थैंक यू टू ऑल यार। आप लोग की वजह से यार इतना ज्यादा फैन सपोर्ट मिल रहा है एंड इतना सपोर्ट आप दिखा रहे हो भाई 2-3 दिन से, कि भाई आप लोग का यार मनचाहा वीडियो एंड भाई आपको जो अच्छा लग रहा है वही कंटेंट मैं लाके दे रहा हूँ। तो प्लीज यार आप लाइक कर देना अगर आपको ये वाला कंटेंट भी पसंद आए, ये वाला मोड्स भी पसंद आए, कोई भी मोड कोई भी पार्ट भाई मेरे वीडियो का एक छोटा सा क्लिप भी आपको पसंद है तो प्लीज यार लाइक कर देना। आपको लाइक करने में 2 सेकंड जाएगा, बस 2 सेकंड से ज्यादा नहीं, मेरा भाई 2-3 घंटे का मेहनत वर्थ इट हो जाएगा। तो प्लीज यार लाइक कर देना, प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। आप भाई वीडियोस देख के चले जाते हो बट यार सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। 17K के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, आई थिंक सो इस वीडियो के बाद हमारा 17K भी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के, लेट्स बिगिन। नंबर 10 ऑटो स्मेल्ट। सो गाइस यार आप माइनक्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा माइनिंग करते हो एंड भाई आपके पास बहुत ज्यादा ओर्स हो जाते हैं, मतलब भाई इनफ, आप उसको स्मेल्ट नहीं कर सकते इतना क्वांटिटी में। अगर भाई आपके पास ओर्स हो जाते हैं तो भाई आप इंस्टॉल कर सकते हो ऑटो स्मेल्ट। तो भाई मेरे साथ भी सेम ही कंडीशन था, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया भाई ऑटो स्मेल्ट मोड। तो भाई इसके अंदर होता क्या है कि आप जैसे माइन करोगे तो भाई आपको स्मेल्ट होके ही ब्लॉक मिलेगा, जैसे कि भाई मैं करके दिखाता हूँ। अगर भाई आप, मैं बताता हूँ यहाँ आके, और मैं सर्वाइवल में सबसे पहले चले जाऊँ, मैं क्रिएटिव में हूँ और क्रिएटिव में भाई कुछ भी वर्क नहीं करने वाला, तो सर्वाइवल में जरूर से आप चले जाना। सो गाइस यार मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ भाई, मैं बताता हूँ। सो गाइस जैसे कि भाई आप कॉपर माइन करोगे तो भाई आपको कॉपर जो भी ओर होता है उसका रॉ कॉपर मिलता है, बट यार माइनक्राफ्ट में ये वाला मोड लगाने के बाद भाई पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। आपको यहाँ से इनगट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप भाई मैंने इन्वेंटोरी में आप देख सकते हो कैसा मुझे इनगट मिल रहा है, जैसे कि मैं माइन कर रहा हूँ भाई मुझे यहाँ मिल रहा है इनगट, आप देख सकते हो, बट यार इसमें कॉपर जो भी 10-12 मिलता है वैसा आपको नहीं मिलेगा, इनगट एक ही मिलेगा। तो भी भाई कॉपर का इतना यूज नहीं है माइनक्राफ्ट में, तो भाई आपको यार बहुत ज़्यादा एपिक बात है यार। आप मतलब ये कौन कौन से ओर पे ट्राई कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अपना आयरन हो गया, आयरन से भी आपको इनगट मिलने वाला है एंड भाई अपना गोल्ड जो है, गोल्ड से भी आपको इनगट मिलने वाला है, डायरेक्ट इनगट, आपको रॉ गोल्ड नहीं मिलेगा कि भाई आपका टाइम वेस्ट हो। तो डायरेक्ट आप भाई इनगट ले सकते हो इससे एंड भाई इससे जो भी क्राफ्ट करना है इंस्टेंटली क्राफ्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा एपिक है। जैसे कि भाई 2 मिनट में मैगी बन जाती है, वैसे भाई आप 2 सेकंड में अपना आर्मर भी बना सकते हो एंड भाई ये एशियन डेब्रिस पे भी, जो एशियन डेब्रिस है उसके ऊपर भी वर्क कर लेता है, स्क्रब उसका जो स्क्रैप होता है ना, नेदरराइट स्क्रैप बना के दे देता है। ये बहुत ज्यादा एपिक लगा यार, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया ये मोड। आपको कैसा लगा एंड भाई आपने डाउनलोड किया कि नहीं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपने डाउनलोड किया तो प्लीज इस मोड का लिंक जो है, मतलब मोड का जो भी नाम है वो मुझे कॉमेंट डाउन कर देना। तो चलो अभी हम चलते अपने नेक्स्ट मोड पे। नंबर 9 माइनिंग स्टिक एंड वॉन्ट। सो गाइस अगर आप माइनक्राफ्ट में माइनिंग बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहे हो एंड भाई आपको थोड़ा माइनिंग बोर होने लगा है और बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, मतलब आपको बोर ही लग रहा है माइनक्राफ्ट में माइनिंग करना, तो भाई आप ट्राई कर सकते हो ये वाला मोड जो कि भाई मैंने इंस्टॉल कर लिया। मुझे भाई माइनक्राफ्ट ऑलमोस्ट यार मैं 3 आवर से माइनिंग कर रहा था और मुझे यार बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, तो मैंने यार मैं सोचा कि भाई कुछ नया मोड ढूंढूँ कि जिससे भाई मेरा माइनिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और मुझे यार बहुत सारे ओर्स भी मिले उससे। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया भाई माइनिंग सीक एंड वॉन्ट। तो भाई ये वाला मोड करता क्या है कि आपको भाई आपके माइनक्राफ्ट में आप क्राफ्ट कर सकते हो एक वॉन्ट, मतलब स्टिक भी बोल सकते हो, वॉन्ट भी बोल सकते हो। उसका क्राफ्टिंग रेसिपी सिंपल है भाई, डायमंड पिकेक्स एंड एक ब्लेज रोड से वो क्राफ्ट हो जाता है, तो मैं इसको क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन ये क्राफ्ट करोगे तो भाई इसका नाम है माइनिंग स्टिक। तो भाई ये स्टिक बहुत ही ज्यादा एपिक है, मतलब भाई N200 वाला एपिक है। आपको करना क्या है कि कोई भी ब्लॉक के पास जाके एकदम भाई उसके करीब में खड़े हो जाना है भाई, जैसे करीब में खड़े हो गए और आपको होल्ड करना है, जैसे आप होल्ड करोगे तो भाई ये माइन कर देगा, मतलब N2:6 रेशो के अंदर माइनिंग करता है ये
और ये बहुत ज़्यादा एपिक है यार। इससे मतलब अपनी माइनिंग स्पीड भी बढ़ जाती है और जितना बोर होता है भाई उससे ज़्यादा एपिक लगता है। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा एपिक लगता है, आप देख सकते हो। और इससे भाई आप बहुत सारे ओर्स को तोड़ सकते हो, जैसे कि मैं अपना लैपिस लाजुली मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई अपना लैपिस लाजुली को आप ब्रेक कर सकते हो, और भाई ये देखो, एंड यहाँ मैं डायमंड भी ब्रेक कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। ये देखो डायमंड भी इससे माइंड हो जाता है, और इससे मैंने 9 डायमंड माइंड कर लिए हैं। आई थिंक इससे यार बेडरॉक भी माइंड हो जाता है, इसके वेबसाइट पे दिया था। तो एक बार ट्राई करते हैं कि भाई इससे बेडरॉक माइंड होता है कि नहीं। ओ आपने सबसे पहले घबराना नहीं है भाई, यार लिटरली भाई इससे बेडरॉक माइन हो रहा है यार। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में बेडरॉक एडिशन में बेडरॉक माइन करना इम्पॉसिबल भाई, मतलब इम्पॉसिबल है माइनक्राफ्ट में बेडरॉक माइन करना। बट यार ये मोड की तरफ से भाई आप माइनक्राफ्ट में बेडरॉक को भी माइन कर सकते हो। ये देखो भाई कितना ज़्यादा एपिक तरीके से माइन हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट है यार। तो चलो अभी मैं माइन करता हूँ, और भाई कोई डायमंड वायमंड मैं ढूंढता हूँ, अभी तो मेरे पास 9 ही हुए, मुझे ऑलमोस्ट 24 डायमंड ढूंढने। तो चलो अभी मैं ढूंढता हूँ, और आप देखो अपना नेक्स्ट मोड। तो भाई ये वाला मोड भाई बहुत ज़्यादा एपिक था, तो अभी हम चलते अपने नेक्स्ट मोड पे। नंबर 8 हॉर्स पावर अप्स। सो गाइस आप माइनक्राफ्ट में हॉर्स तो राइड कर ही होगे, एंड हॉर्स आपने टेम किया होगा, तो भाई हॉर्स को आप तो मालूम है कि भाई कितना ज्यादा स्लो भागते हैं, एंड उनका जंप भी इतना ज्यादा एपिक नहीं होता है। कोई रेयरेस्ट ही हॉर्स होता है जिसका भाई जंप और स्पीड दोनों बहुत ज्यादा ओपी होता है। तो भाई ये मोड मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं। अगर भाई आप हॉर्स ज्यादा राइड करते हो, या भाई आपको शौक है, आपको हॉर्स पालना अच्छा लगता है माइनक्राफ्ट में, अगर आप हॉर्स को राइड करते हो, आपका कोई पालतू जानवर है हॉर्स, तो भाई आप उसको अलग अलग तरीके की एबिलिटी दे सकते हो। और ये हॉर्स पावर अब बहुत ज्यादा एपिक मोड है, मुझे तो भाई बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको फटफट बताता हूं। एंड भाई इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 6 हॉर्स मिलते हैं अलग अलग एबिलिटी के साथ। तो नेक्स्ट अपना हॉर्स है भाई स्लाइम हॉर्स, भाई बहुत ज़्यादा एपिक। और इसका आप अगर जंप देख लोगे तो भाई आप यार एकदम डर ही जाओगे, आप देख सकते हो। ये देखो इसका जंप है भाई, ये मतलब ये इसका एक जंप है, और ये देखो डायरेक्ट इधर जंप इसने किया है, बहुत ज़्यादा एपिक जंप करता है यार। मतलब आप इसे यूज़ कर सकते हो जंप बूस्ट के लिए। और इसके अंदर आपको करना क्या है कि वो तो मैंने बताना ही भूल गया, आपको सिंपली इसको सबसे पहले टेम करना है, इसके ऊपर राइड करना है। जैसे इसका आप मतलब इन्वेंटोरी खोलोगे तो जहाँ आप आर्मर डालते हो ना वहाँ स्लाइम बॉल आपको रखना है, स्लाइम ब्लॉक सॉरी, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और आपको आप मतलब इसको एक मस्त सा एबिलिटी दे सकते हो। एंड अपना नेक्स्ट है टोटम हॉर्स। भाई टोटम हॉर्स करता क्या है कि अगर आप मरोगे या हॉर्स मरेगा तो भाई आप वापस ही जिंदा हो जाओगे, और आपका हॉर्स भी जिंदा हो जाएगा, इतना ज़्यादा एपिक है। तो अभी मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ, इतना ज़्यादा एपिक हॉर्स लग रहा है मुझे। तो इसके अंदर भी सेम ही आपको करना है, टोटम रख देना है, एंड भाई ये टोटम हॉर्स बन जाएगा। एंड नेक्स्ट है अपना भाई रेडस्टोन हॉर्स। तो भाई ये रेडस्टोन हॉर्स बहुत ज़्यादा एपिक है, मतलब भाई आप सोच नहीं सकते इसकी स्पीड क्या होगी, फ्लैश शर्मा जाएगा भाई अगर ये भागेगा तो। व्हाट आप देख सकते हो, देखो पहले मैं कूदा दूं बाहर इसको, और ये अगर भागना स्टार्ट किया तो भाई कुछ नहीं हो सकता। ये देखो भाई इसकी स्पीड यार, आप बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ट्रैवलर जो भी होता है, जितना भी ज़्यादा दूर आपको जाना है कुछ ही सेकंड में आप कंप्लीट कर सकते हो, इतना ज़्यादा एपिक स्पीड है इसकी यार। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा एपिक लगी यार इसकी स्पीड। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना। और आपको भाई 6 में से जो भी छठे हॉर्स मैंने आपको दिखाए, हॉर्स मैंने दिखाया उसके अंदर से कौन सा हॉर्स आपको पसंद आया प्लीज़ मुझे बताना। एंड भाई सबसे लास्ट जो हॉर्स अपना, ये इतना ज़्यादा एपिक है ना यार, अगर आप इसका राइड करोगे तो भाई आपको यूनिकॉर्न से कम नहीं लगेगा। ये हॉर्स भाई लिटरली इलाइट्रा क्यूब करता है, आपको नहीं मालूम होगा, आपने कभी विश्वास नहीं किया होगा, बट यार ये वाला हॉर्स लिटरली ई क्यूब करता है इलाइट्रा अपना। एंड ये बहुत ज़्यादा एपिक तरीके से उड़ता भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये उड़ रहा है भाई, ये देखो जैसे मैं इसका जंप वाला बटन दबा के रखूँगा, होल्ड करके रखूँगा, तो ये बंदा उड़ेगा यार, इतना ज़्यादा एपिक है भाई। ये देखो कितना ज़्यादा मस्त मज़ा आ रहा है, कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ मैं, मतलब लिटरली अमेजिंग यार, बहुत ज़्यादा एपिक है। और ये मैं फट से नीचे जाता हूँ, नीचे गया इसको फॉल डैमेज भी नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा मस्त बात है। मुझे तो भाई ये वाला हॉर्स यार एकदम इस सब में जितने भी 6 जन है ना, मतलब 6 हॉर्स है इसके अंदर जितने भी टाइप्स के, सबसे ज़्यादा एपिक टाइप मुझे यही लगा हॉर्स का, एपिक यार। आपको सिंपली करना है क्या है कि आइटम्स उनके स्लॉट में रख देना, बस ये सबके पावर्स वापस आ जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पे। मुझे तो भाई ये वाला मोड बहुत ज़्यादा एपिक लगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। भाई रेट भी दे देना भाई, जितने भी मोड्स में आपको दिखा रहा हूँ 10 में से 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको पसंद आए वैसा रेट आप दे सकते हो। मोड का नाम लिख देना, कौन से मोड को आप रेट दे रहे हो, तो रेट भी दे देना भाई जैसा आपको समझ में आए। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पे। नंबर 7 एंग्री मॉब्स। सुकेश यार अगर माइनक्राफ्ट के आप प्रो हो, प्रोएस्ट प्रो मतलब लेजेंडरी प्रो, तो भाई आप ये वाला चैलेंज कंप्लीट करके दिखाओ मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट चैलेंज है यार। इसके अंदर जितने भी मॉब्स हैं, मतलब भाई जो छोटे छोटे जो क्यूट मॉब आपको लगते हैं ना, वो भी इसके अंदर आपको मारने वाले हैं।
और वो इतना ज्यादा खतरनाक डैमेज देते हैं, इतना ज्यादा खतरनाक डैमेज देते ना भाई कि भाई आपने कभी सोची ना होगी। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, मैं एक बार सर्वाइवल में जाता हूँ एंड भाई आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारेंगे। यहाँ देखो भाई, ये देखो हॉर्स आ रहा है, ये काहे के लिए आ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है और कुछ नहीं। हॉर्स को मुझे ऐसा कुछ चुम्मा नहीं देना है, मारना है सिर्फ उसको आके। ये वाला भी हॉर्स आ गया एंड अगर मैं आयरन गोलम के पास चले गया तो भाई मैं ख़त्म हो जाऊँगा, इतना ज़्यादा एपिक है। और ये लोग भाई भसड़ मचा देते हैं भाई, इधर देखो चार पाँच इधर भी हैं और मैं यहाँ तो फंस गया भाई, मुझे कैसा करके तो निकलना पड़ेगा भाई, अब मुझे मरना ही पड़ेगा। देखो तीन तीन जन मेरे पीछे लग चुके हैं और इन लोग मेरे को कैसा मारने वाले, ये देखो आप। बाय बाय बाय। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पे। नंबर 6, मेडिवल फर्नीचर्स। आपने माइनक्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स देखे होंगे बट यार रियल लाइफ में रिलेटेड फर्नीचर्स आपने नहीं देखे होंगे, और अगर आपने देखे भी होंगे तो भाई वो जावा एडिशन के लिए होते हैं जो कि भाई मेडिवल सीरीज में होती है। जावा एडिशन में एक मोड आता है मेडिवल नाम रहता है, उसके अंदर भाई आप बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से एकदम रियलिस्टिक चीज बना सकते हो। जैसे कि भाई आप ये घर का ये एक मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, इसके अंदर आपको भाई डाइनिंग टेबल और जितने भी सीट वीट है चेयर्स, देखो भाई चेयर्स भी आप बना सकते हो। इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें, बाउल्स भी बना सकते हो जिस भाई इधर बाउल रखा है एंड इसमें से आप खाना भी खा सकते हो। आप देख सकते हो कितना ज्यादा एपिक है, मैंने खाना भी खा लिया एंड भाई गाजर इधर और गाजर, ओ भाई यार इधर आप कैरेट भी बना सकते हो छोटा सा जिसका आप बंद मुंह भी बंद कर सकते हो। ये देखो भाई कितना ज्यादा एपिक है, ओ भाई यार लिटरली अमेजिंग यार, ये तो बहुत ज़्यादा मस्त है। इसके अंदर रखा है कैरेट और इसके अंदर रखा है शुगर केन, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगा एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि भाई मैंने अभी तक नहीं देखी है। देखो ये देखो ये है ड्रॉर, ड्रॉर भी आप खोल सकते हो बंद कर सकते हो इसके अंदर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। इसको बोलते हैं रियलिस्टिक फर्नीचर्स जो कि भाई मेडिविल सीरीज ने बनाया है और ये माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा एपिक लगता है यार। और इसको कैसा वर्क करता है क्या है भाई सब कुछ मैं बताता हूँ। तो भाई आप जब माइनक्राफ्ट में ये मोड इंस्टॉल करोगे और जो भी सेटिंग होगा भाई इसका सेटिंग भाई इंपॉर्टेंटली जाके आप देख लेना, इसके वेबसाइट पे एकदम इंपॉर्टेंटली देख लेना क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सेटिंग। अगर कुछ भी सेटिंग आप भाई उल्टा सीधा करोगे तो भाई इसलिए मोड वर्क ही नहीं करता है भाई, बात ये मोड नहीं वर्क करेगा सीधा। तो इसके लिए जाके एक बार चेकआउट कर लेना। उसको ओपन कैसा करना है, यूज़ कैसा करना है वो मैं बताता हूँ। तो आपको यूज़ करने के लिए सिंपली जाना है चैट में, चैट ऑन कर लेना है, चैट ऑन करके यहाँ लिखना है तो स्लैश डालना है स्लैश functi फंक्शन, उसके बाद मेड एम देखो इधर आ जाएगा मेडविल ब्लॉक्स। तो इसको आपको मतलब पूरा का पूरा कमांड डाल देना है, जैसे आप भाई इधर इनपुट करोगे तो भाई ये एक घर स्पॉन करके दे देगा आपको। इधर देखो मैं अभी जस्ट थोड़े टाइम में स्पॉन हो जाएगा, तो फाइनली अपना देखो सेम हाउस स्पॉन हो चुका है, जो हाउस इधर है सेम एकदम हाउस स्पॉन करके देगा एंड स्पॉन जैसे करेगा आप भाई एंटर करोगे जैसे घर में, देखो भाई ये घर का एंट्री है और भाई ये घर बहुत ज़्यादा लेजेंडरी लगता है भाई मुझे एकदम रियल। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एपिक लगता है रे घर, जैसे ये घर में आप एंटर करोगे तो भाई ये देखो इधर आपको बहुत सारे चेस्ट मिलेंगे और भाई ये चेस्ट में यार जितने भी बैरल चेस्ट हैं इसके सब में यार बहुत ज़्यादा एपिक एपिक चीज़ें हैं। जैसे कि भाई ये सब वुड आपको मिलेगी, ये वुड से भाई आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। ये भाई इधर है बैरल बना सकते हो, बैरल है ना भाई बॉक्स, सॉरी बॉक्स बना सकते हो, ये भी बॉक्स है और इसके अंदर भाई क्या क्या वो मैं बताता हूँ। ये देखो बकेट्स बना सकते हो और मैं भाई अभी सब कुछ रख रख के नहीं दिखाने वाला, आप खुद से देख लेना क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये है भाई वॉल और रूफ, वॉल है ये और ये है साइड का रूफ जो कि भाई ये ऊपर लगता है और वॉल जो है, और इधर है बॉक्सेस, बॉक्सेस में क्या मिलेगा आपको, ओ भाई ये जो मैंने ऊपर अभी खोल बंद किया था उसके ऊपर, और ये बैरल है, अलग अलग चीज़ें भाई इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें, बाउल और बास्केट भी है इधर देखो, बाउल जिसके अंदर खाना आप रख सकते हो एंड ये है बास्केट, और यहाँ भाई ये क्या है स्लॉट, स्लॉट क्या है भाई ये, ओ अच्छा छोटा सा टेबल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चीज़ें हैं भाई इसके अंदर, आप देखते देखते थक जाओगे, ख़त्म नहीं होने वाला है, आर्टिफिशियल है हर एक चीज़ इसके अंदर। और ये देखो भाई सीढ़ी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एपिक है, और सीढ़ी के बाजू में जो ये लगा है ये भी माइनक्राफ्ट मतलब यही वाले मोड में है और बहुत ज़्यादा एपिक लगता है, और ये बैरल खुलता नहीं। तो अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है, और आप देख सकते हो ये सब मैंने आपको दिखा ही दिया है, और इधर ये देखो जो बुक मैंने देखा था वो इधर रखी है, और ये है अपना जो भी भाई ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ छोटे छोटे कैबिन है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है, अगर आप यार ये वाला मोड लगा के कोई सीरीज ही बनाते हो माइनक्राफ्ट की तो भाई वो बहुत ज़्यादा एपिक तरीके से चलने वाली है यार, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर भाई आप क्रिएटर हो तो भाई यूज़ करना है मोड को, जितना यूज़ कर पाओ यूज़ करो एंड भाई क्रेडिट दे देना सिर्फ क्रिएटर को क्योंकि भाई यार उनको भी
क्रेडिट चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने लिए, अलग अलग मोड्स बनाते हैं, तो भाई हम उनको क्रेडिट नहीं देते, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो इसके लिए भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं वो सब भाई क्रिएटर के ही हैं, सब जितने भी लिंक्स आपको मिलेंगे सब क्रिएटर के ही हैं और उनके ही लिंक दे दिया। और ये देखो भाई मेरा है ये बेडरूम, बेडरूम में भाई इधर है मेरी पढ़ने की जगह जिधर मैं पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, एंड इधर है भाई अपना छोटा सा बेडरूम। और जो क्रिएटर है भाई उनका नाम देखो एंड एक्सोन क्या है भाई प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है भाई बहुत ज़्यादा सही है भाई, एक नंबर बनाया भाई आपने, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया यार, ये घर तो अलग ही भाई, ऐसा मैं बना भी नहीं पाऊँगा, अगर इतने सारे ब्लॉग्स भी मुझे मिल जाएंगे ना तो भी ये घर इतना डिटेल में मैं नहीं बना पाऊँगा। आपको कैसा लगा ये घर प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना, और भाई ऐसा घर आपने बनाया कि नहीं अगर आपने ये मोड डाउनलोड किया है तो, और आपने डाउनलोड किया कि नहीं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना। और अगर भाई आपको ये मोड पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक एम ओनली 700 लाइक का, जो कि भाई मैंने फर्स्ट टाइम मेरे इतना बड़ा लाइक एम रखा है, क्योंकि भाई आपका प्यार एंड सपोर्ट यार इनटू 100 हो चुका है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि भाई लाइक एम भी बढ़ाया जाए, तो मैंने थोड़ा सा लाइक एम बढ़ा दिया है, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर भाई आपको ये मोड पसंद आया। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पे, नंबर 5 मैजिक एप्पल। सो गाइस आपने माइनक्राफ्ट में एप्पल तो खाया ही होगा, और एप्पल आपको ओक के पेड़ से मिलता है, ये ज़्यादा अलग ही मतलब इलॉजिकल बात है, बट यार एप्पल फ्रूट यार आपको इधर हंगर बार सिर्फ दो ही देता है, मतलब दो हंगर बार आपका भर देता है अगर भाई एप्पल आप फ्रूट खाते हो, बट यार वही सेम चीज़ आप मैजिक एप्पल में कन्वर्ट कर पाओ तो आप भाई इसके अंदर क्राफ्ट कर सकते हो एप्पल को 50 और अलग तरीके के एप्पल्स से, मतलब ऑलमोस्ट यार मैजिक एप्पल्स है इसके अंदर। और आप इधर देख सकते हो इधर तो भाई ऑलमोस्ट यार 15 या 25 आपको एप्पल्स मिलेंगे, और आपके इन्वेंटोरी में आपको भाई ये देखो भर भर के आपको एप्पल्स मिलने वाले, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा होते हैं, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग एप्पल्स है इधर, और ये भाई ख़त्म नहीं होने वाले कभी भी, आप भाई पूरा मोड खेल लोगे आपको 2-3 महीना लग जाएगा पूरा एप्पल खाने में, मतलब भाई एक एक का वो चेक करने में। तो भाई मैं कुछ आपको बता भी दूंगा यहाँ कैसा क्या क्राफ्ट करना है, कैसे आपको इसको खाना है, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो भाई आपको क्राफ्ट करने का रेसिपी इसके वेबसाइट पर मिल जाएगा, भाई क्रिएटर ने बोला है सख्त कि भाई आप यार रेसिपी नहीं बता सकते, रेसिपी देखने उनको आना पड़ेगा, तो जाके यार प्लीज़ यार उनके वेबसाइट पे यार रेसिपी आप देख लेना, जो भी मतलब सेम ही रेसिपी सबका होता है, एप्पल रख के भाई साइड साइड में जो भी ब्लॉक है वो रख दो। तो भाई ये मैंने बता दिया, बट यार क्रिएटर कुछ बोलना नहीं। मैम आई डोंट नो के डबल सॉरी लगी है, आई नीड News, but I don't know. डायमंड एप्पल, तो डायमंड एप्पल खा के मैं दिखा दो कैसा आप इसको क्राफ्ट करने के लिए, सिंपली 8 डायमंड एंड 1 एप्पल चाहिए आपको, इसको क्राफ्ट करना है एंड ईट करना है। जैसे आप खाओगे तो आपको भाई यहाँ देखो स्पीड स्ट्रेंथ एंड रीजर्नेशन एंड नाइट विजन 3-4 चीज़ मिल जाते हैं भाई इससे, और बहुत ज़्यादा मस्त भाई स्पीड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त हो चुके हैं। तो अभी मैं फट से पानी पी लेता हूँ क्योंकि भाई मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। एमरल्ड एप्पल भी खा के देखते हैं क्या मिलता है हमें। एमरल्ड से भाई हमें 5 चीज़ मिल जाती है, हीरो ऑफ द विलेज भी मिल जाता है भाई, अगर आप सर्वाइवल खेलते तो भाई ये वाला मोड जरूर से यार डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करके खेलना है, क्योंकि भाई इससे आपको मिलता है हीरो ऑफ द विलेज एमरल्ड। जब एमरल्ड एप्पल आप बना के खाओगे तो भाई आपको मिलेगा हीरो ऑफ द विलेजर, जिससे भाई आप यार विलेजर से ऐसा भाई एकदम कचड़े में ट्रेड कर सकते हो, ऐसा एकदम ज्यादा एपिक है। तो चलो भी हम चलते अपने नेक्स्ट मोड पे, नंबर 4 इंस्टेंट हाउस फंक्शन। सुखेश यार ये वाला मोड बहुत ही ज़्यादा एपिक है, अगर भाई आप माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा आलसी हो या आपको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है तो भाई आप ये वाला मोड ट्राई कर सकते हो, और भाई आपको बिल्ड ज़्यादा अमेजिंग लगता है, और बड़े बड़े जो भी क्रिएटर्स बनाते हैं अच्छे खासे बिल्ड उसको देखने में मज़ा आता है, तो भी भाई ये वाला मोड आप ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर भाई आपको फुल सिटी स्पॉन करने का एक कमांड मिलता है, इसके अंदर आप एक मैंशन स्पॉन कर सकते हो, बहुत सारे घर स्पॉन कर सकते हैं, एक छोटा सा मतलब छोटा सा अपार्टमेंट भी स्पॉन कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा एपिक एपिक इसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट यार आपको 4 हाउस मिल जाते हैं, एक मैंशन एंड 3 हाउस मिल जाते हैं जो कि भाई आप स्पॉन कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ स्पॉन किया तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आपका ये हाउस मैंशन सब कुछ है, उसके बाद मैं आपको स्पॉन कमांड भी बता देता हूँ। पहला रूम है वो है एक मॉडर्न हाउस, ये बहुत ज़्यादा एपिक है, और इसके अंदर भाई आपको क्या मिलेगा, अच्छा सा एक छोटा सा मॉडर्न हाउस मिलेगा, बाहर बैठने के लिए एक एरिया मिलेगा, एंड यहाँ आपको एक स्विमिंग पूल मिलेगा जिसके अंदर आप नहा सकते हो बहुत ज़्यादा मस्त से, नहा के भाई अंदर जाओ घर में, सबसे पहले कपड़े ही भिगा लो अपने फिर घर में जाओ। घर में जाने के लिए साइड में आपको दरवाजा मिलता है, सबसे पहले आपको किचन मिल जाता है, फिर आपका बेडरूम है भाई यहाँ, एंड ऊपर ओ भाई यहाँ एक कॉबर्ट भी है भाई, कॉबर्ट में क्या है वो कुछ नहीं यार, चेस्ट वेस्ट कुछ भी है ही नहीं, तो छोड़ो यार नल्ला है भाई जो रहता है घर में, मैं नहीं रहता हूँ मगर, तो अब
अभी मैं ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ भाई मुझे नल्ला में समझ लेना। और यहाँ भाई आपको एक डाइनिंग टेबल मिल जाता है जिससे आप खाना खा सकते हो और पड़ोसी का जो भी यार चुंगली रहेगा साथ में कर सकते हो दोनों जन। इधर से स्टार्ट होता है अपना मेंशन एंड इधर से आप देखते जाओ कितना ज़्यादा बड़ा है ये, और देखते ही जाओ बस देखते ही जाओ भाई स्पॉन हो रहा है अभी सब कुछ। और यहाँ तक है अपना मेंशन एंड यहाँ से आप एंटर कर सकते हो, एक यहाँ से एंट्री पॉइंट है, एक सामने से एंट्री पॉइंट है, यहाँ भी मैंने स्पॉन किया कि भाई डायरेक्ट आपको दिखा पाऊँ, तो यहाँ भी एक एंट्री पॉइंट है। एंट्री करके आपको सीधा अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद एकदम राजमहल की एकदम भारी वाला भाई आपको वाइब आने वाला है, ये देख सकते हो कितना ज़्यादा एपिक है और बहुत ज़्यादा मस्त है, पूरा मैं दिखा नहीं सकता, तो प्लीज़ यार आप डाउनलोड करके देख लेना। अपना पूरा का पूरा एक सिटी स्पॉन हो चुका है इधर, तो ये वाला कमांड डाल के भाई ऑल बिल्ड कमांड डाल के आप पूरा का पूरा सिटी स्पॉन कर सकते हो एंड सिंगल कमांड आपको इसके वेबसाइट पर जाके देखना पड़ेगा, तो जाके प्लीज़ जाके देख लेना। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पर, नंबर 3 इलाइट्रा मॉडल्स। सो सर अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो भाई आपको इलाइट्रा मालूम होगा, इलाइट्रा भाई आपको एंड सिटी में मिलता है एंड भाई वही एक स्किन आपको इलाइट्रा का मज़ा नहीं आता है। आपने बहुत सारे माइनक्राफ्ट के वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर इलाइट्रा को भाई अलग अलग तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग स्किन लगा लगा के ट्राई करते हैं, तो भाई यही सेम मोड आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। लोग सेम मोड लेके आए भाई जिसका नाम है इलाइट्रा मॉडल्स, तो भाई इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं जो कि भाई आप इसके वेबसाइट पर जाओगे तो भाई आपको 3 मोड्स मिलेंगे। तो भाई सबसे पहला जो मोड है उसके अंदर भाई आप पूरे के पूरे मोब में कन्वर्ट हो जाओगे, उसको एक मतलब एक्टिव करोगे तो भाई जो भी मॉब आप चूज करोगे तो भाई वो मॉब में आप कन्वर्ट हो जाओगे एंड जो कुछ का दूसरा वाला है उसके अंदर सिर्फ आपका विंग्स चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, तो भाई ये भी अच्छा बात है। एंड लास्ट वाला जो है मैंने डाउनलोड किया उसका नाम है सुपर पैक, जिसके अंदर भाई सुपर हीरोज के होते हैं जितने भी लाइटर्स होते हैं, तो फट से मैं डे कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या क्या इसके अंदर और मेरे को कौन सा सुपर हीरो मुझे मिला है। तो फट से मैं सनराइज ने डे करना था भाई मुझे, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये देखो मेरे कपड़े पे क्या है, गाय छपी है, समझ जाओ गाय, मुझे तो गाय दिख रही है बट जैसे मैं क्रॉस होऊंगा भाई ये देखो फैल्कन बन जाएगा जो कि भाई अवेंजर्स का होता है भाई, फैल्कन होता है ना जो था भाई, जो भी वेब सीरीज थी या सीरीज थी उसकी वो जो भी पिक्चर आई थी भाई मैंने तो नहीं देखी बट यार मुझे इतना मालूम है फैल्कन था उसका नाम। तो ये देखो फैल्कन बन चुका है एंड मैं जैसे उड़ूंगा वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना ज़्यादा एपिक है। मैं उड़ के आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जैसे भाई ये देखो ये, ओ यार मैंने हाथ में रॉकेट ही नहीं लिया तो कैसे उड़ जाऊंगा। सो गाइस फाइनली मैं उड़ चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा टाइम बाद यार मैं उड़ चुका हूँ, तो मुझे सिंपली होल्ड करना पड़ेगा। ओ भाई ऊपर हो जाओ ऊपर हो जाओ ऊपर हो भाई, मरना नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा मेहनत से उड़ाऊँ मैं ऊपर और मुझे अभी दिखाना अभी अपना इलाइट्रा। तो ये देखो भाई मेरा इलाइट्रा आप देख सकते हो पूरा फैल्कन की तरह दिखता है और यहाँ मैं आगे से दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत मोड़ उड़ूंगा ना तो आपको दिखेगा आई थिंक सो। ये ओ भाई यार 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 मर गया भाई मैं। ये वाला जो इलाइट्रा था मैंने इसके अंदर फैल्कन वाला स्किन यूज़ किया था, तो आपको स्किन चेंज करने के लिए सिंपली करना है क्या है कि जैसा आप मोड डाउनलोड करोगे सेम आपको स्किन मिलेगा। तो रिसोर्स पैक में जाना है, यहाँ से जाना है आपको इलाइट्रा वाले में एंड भाई यहाँ जो सिस्टम वाला सेटिंग है ना, सेटिंग का ऑप्शन उसको दबाना है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारा मिल जाएगा, देखो विलन्स मिल जाएंगे एंड कैप, बैटमैन कैप, वाइट कैप और सिल्वर कैप, उसके बाद भाई ग्रे कैप, ये हटाओ कैप को हटा के आगे की बात करते हैं हम। तो यहाँ से भाई कैप ही कैप है यार, आयरन मैन है एंड स्पाइडर मैन है, उसके बाद फिर है फैल्कन विन है, उसके बाद फिर स्टफ ब्रॉड है सिल्वर स्टफ और उसके बाद फिर ये कैप ही है सब। तो यहाँ से भाई मैं ले लेता हूँ आयरन मैन थोड़ा अच्छा लगेगा, तो आयरन मैन मैंने ले लिया। ओ आयरन मैन का सिर्फ वो आता है यार छोटा सा जो उसके ऊपर इधर हार्ट होता है ना वो आता है, तो मैं स्पाइडर मैन ले लेता हूँ। तो अभी हम फिर से प्ले करके देखते हैं भाई हमें स्पाइडर मैन मिलता है कि नहीं। सो गाइस फाइनली अपना देखो बंदा आ चुका है, लोड हो चुका अपना वर्ल्ड, तो अभी मैं यहाँ से क्रिएटिव में जाके आपको दिखा देता हूँ। मैं सर्वाइवल में तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं सर्वाइवल में मुझे एंड सिटी जाना पड़ेगा, तो मैं क्रिएटिव में फट से लेके आपको दिखा देता हूँ। इलाइट्रा को यहाँ वेयर किया एंड यहाँ देखो क्या हो रहा है आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ जाके। और भाई ये स्पाइडर मैन नहीं आया, सॉरी यार ये कुछ और ही आ चुका है, ये मुझे नहीं मालूम यार क्या है, तो भी यार जो भी है यार मैंने देखा नहीं था स्पाइडर मैन, आई थिंक सो स्पाइडर मैन का कोई विलन है भाई ये, बहुत ज़्यादा एपिक है यार ये देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना भाई, यार दिखना तो चाहिए तभी तो अच्छा लगेगा। तो मैं फट से बाहर निकलता हूँ यहाँ से। ओ भाई यार कितना ज़्यादा एपिक है भाई, लिटरली मैंने इतना नहीं मैं इमेजिन किया था कि भाई इसके भाई इतने ज़्यादा अच्छे से वो निकल जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको पंखा उनका निकल रहा है भाई इसके सामने, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त है। और मुझे मोड़ना नहीं तो फिर मैं गिरूंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कितना ज़्यादा मस्त है यार मुझे तो बहुत ज़्यादा मस्त लगा। आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पे, तो अगर आपको ये मोड पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पे, नंबर 2 प्रॉफिटेबल फार्म।
सो गाइस अपने माइनक्राफ्ट में तो भाई एनिमल फार्म बनाया ही होगा, बट यार आप एनिमल फार्म से कुछ अलग ही प्रॉफिट कमा पाओ तो कैसा होगा। जैसे कि भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मुझे पीगी स्पॉन करके दे रहा है, यहाँ से आयरन कॉपर इनगट और बहुत ज़्यादा ही भाई अच्छे क्वांटिटी में। एंड यहाँ जो भी है भाई अपनी शीप भाई काम नहीं कर रही, मालूम नहीं क्यों, शीप का भाई मुझे नहीं मालूम। बट यार अपनी काऊ को देखो भाई, यहाँ से मुझे प्रॉफिट दे रही है भाई, मुझे इस मतलब इन लोगों को मैं खिला रहा हूँ तो मुझे यहाँ से मिल रहा है डायमंड्स। और ये भाई अपने एग तो भाई इंटू 100 टाइप में दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही तरीके से एग दे रहे यार, मतलब एग बहुत ज़्यादा ही दे रहे हैं लोग। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, और ये देखो यहाँ से मुझे 15 अंडे मिले, मैंने कुछ 7 मिनट हुआ है अभी मुझे ये वर्ल्ड क्रिएट करके, एंड इन लोग को भाई यहाँ रख के 7 मिनट, ऑलमोस्ट 7 मिनट हुआ है और उसमें भाई इतना सारा चीज़ हो गया। मैं इन लोग को फीड कराऊंगा ना तो भाई ये मुझे देंगे इधर से डायमंड। भाई थोड़ा टाइम लगता है बट यार इन लोग को डायमंड लिटरली लोग डायमंड देते हैं असली में भाई, मस्ती के अलावा मतलब थोड़ी भी मस्ती नहीं कर रहा हूँ। ये मोड एकदम बहुत ज़्यादा ओजी मोड है, इसमें आपको भाई मतलब डायमंड मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, गारंटी देता हूँ। मैं थोड़ा इन लोग को ब्रीड कर दूँ जिससे थोड़े बहुत लोग के पॉपुलेशन बढ़ जाए, पड़ेगा तो फट से यहाँ भी मैं कर देता हूँ, तो फट से मैं करता हूँ ब्रीड। भाई मैं खुद क्यों खा रहा हूँ यार, एंड अब देखते हैं भाई कितने टाइम में। ओ भाई ये क्या है, यहाँ से मैं देखता हूँ क्या है भाई ये। ओ भाई नीचे भी मुझे डायमंड है यार, मैंने देखा नहीं यार, इधर भी डायमंड है आप देख सकते हो, वो देखो उधर पड़ा है, मैं ले लेता हूँ जाके फट से। ओ फाइनली मैंने कलेक्ट कर लिया, और अब देखते हैं कितना डायमंड हो गया हमारे पास, 10 डायमंड हो गया भाई। और ये भाई लिटरली रियल में डायमंड देते हैं भाई, मतलब मैं थोड़ा भी ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई फेक बता रहा हूँ, ये डायमंड लिटरली देते हैं। थोड़े टाइम में भी हम देखते हैं कि भाई मुझे डायमंड मिलता है कि नहीं, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट 7 मिनट लगाते हैं कि भाई इनको डायमंड देना पड़े, इतना टाइम लग जाता है। बट यार ये डायमंड देते हैं, कॉपर देता है और ये एमरल्ड देता है, बट यार अभी तक यार शिप ने एमरल्ड नहीं दिया तो भाई कन्फर्म नहीं कर सकता। बट यार इनके वेबसाइट पर लिखा था कि भाई शिप जो है उसको आप ब्रीड कराओगे तो भाई आपको एमरल्ड मिलेगा। एंड भाई चिकन से मिलता था पहले गोल्ड इलगट, बट यार वो भी बंद हो गया, अब चिकन से कुछ भी नहीं मिलता है, अब सिर्फ एग ही मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मोड पे, और भाई ये वाला मोड भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर भाई आप एनिमल के शौकीन हो, माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा एनिमल टेम करते हो और उनको पालते हो, फार्म बनाते हो, तो भाई ये वाला मोड डेफिनेटली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, क्योंकि भाई आप यार माइनक्राफ्ट से मतलब जितना एनिमल से प्यार करोगे उतना ही एनिमल आपको भाई इंटू 100 में बहुत ज्यादा एपिक सामान देगा, मतलब ओपी और एपिक लूट आपको मिल जाएगी इससे, बहुत ज्यादा मस्त है। और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो भाई ज्यादा डिटेल्स के लिए आप भाई इनका वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते। हम चलते अपने लास्ट एंड लिस्ट के लास्ट मोड पे, नंबर 1 इंस्टा फार्म। क्योंकि इंस्टाग्राम वाला फार्म नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टा फार्म, ये बहुत ज़्यादा एपिक फार्म है। जैसे कि भाई आप 2 मिनट में मैगी बना सकते हो, वैसे ही भाई यहाँ 2 मिनट में बद 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में आप ये इतना बड़ा फार्म क्रिएट कर सकते हो। और इसको बनाने के लिए सिंपली आपको छोटा सा एक कमांड चाहिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसे मोड को इंस्टॉल करोगे तो भाई इसका जो भी सेटिंग, जितने भी सेटिंग एंड जितने भी सिस्टम जो भी होंगे भाई इसके वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो जाके ऑप्शनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग जितने भी होते भाई जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि भाई उसके वजह से ये मोड वर्क नहीं करता है। तो उसकी सेटिंग आप परफेक्ट करोगे तो भाई आपका मोड इजीली वर्क करेगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ से आपको हैमर ले लेना है, आपको इधर ही इन्वेंटरी में हैमर मिल जाएगा, तो हैमर आपको यहाँ से लेना है और क्राफ्ट भी कर सकते हो आप इसको। एंड उसके बाद आपको एक कमांड डालना है, कमांड डालने के लिए भाई मुझे अपना एक छोटा सा सेटिंग बंद करना पड़ेगा, तो फट से मैं बंद करके आता हूँ। फाइनली मैंने अपना वो सेटिंग बंद कर दिया, एंड यहाँ अपना कीबोर्ड आ चुका है। तो अभी करना क्या है कि आपको यहाँ कमांड डालना है स्लैश फंक्शन गेट फार्म। तो गेट फार्म जो लिख के आ रहा है इसको आपको सिंपल यहाँ कॉपी कर लेना है, और आपको भाई यहाँ एक चेस्ट मतलब एक छोटा सा शल्कर बॉक्स स्पॉन होके मिलेगा। एंड इसके अंदर जो है इसके अंदर बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा फार्म्स है, ये जो ब्लॉक है ना भाई ये सब फार्म्स है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक एक करके, कुछ थोड़े बहुत फार्म्स मैं लेके आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ सबसे पहले मैं इतने फार्म्स आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो भाई अपना बोन मिल फार्म जो है उसको क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ मैं रखूँगा बोन मिल, और इसका जो भी भाई जितना फार्म का एरिया वो सब ये देखो तुरंत नोटिस कर देगा। एंड ये बोन मिल फार्म जो है इसके ऊपर आपको हैमर मारना है, जैसे हैमर मारोगे आपका भाई पूरा फार्म रेडी हो जाएगा। हैमर मारे आपका फार्म फाइनली रेडी, भाई कितना ज्यादा एपिक मोड यार, मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगा। तो अभी हम देखते हैं ट्री फार्म, तो ट्री फार्म को भी मैं रखा है। एंड भाई ये देखो इतने एरिया में अपना ट्री फार्म बनेगा। तो आपको करना है कि हथौड़ा मारना है, जैसे मारोगे आपका ट्री फार्म रेडी। और भाई ये विदर कहां से आ गया यार, विदर का सीन मुझे नहीं मालूम, जिधर से भी आया जो भी आया भाई मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ देखो एक बोनविल फार्म ट्री फार्म अपना हो चुका है। एंड उसके बाद है भाई अपना ये मैग्मा शुगर,
मेगा शुगर ये क्या है भाई, आप एक बार इसको भी ट्राई करते क्या है भाई, इधर ये इसका फॉर्म बनेगा। ओ भाई यार कितना ज़्यादा बड़ा फॉर्म बन रहा है इसका, तो एक बार ट्राई करना बनता है। तो चलो अभी हम फट से इसको ऊपर मारता हूँ। एंड ये है भाई मेगा शुगर केन फार्म, आई थिंक सो शुगर केन फार्म ही है मुझे लग रहा है। तो अभी मैं नीचे फट से अंदर जाता हूँ, एंड अंदर जाने के बाद देखते हैं भाई किसका फार्म है भाई ये। तो अगर आपको ये वाला मोड पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई यार बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने मोड आपके लिए फाइंड किया है। एपिक मोड्स यार, ये सब एपिक मोड्स हैं, और ये सबको भाई मैंने बहुत ज़्यादा बहुत छोटी जगह पे बना दिया ना, तो इसके लिए लैग कर रहा है। अगर मैं यही सब बहुत ज़्यादा दूर दूर बनाता तो भाई कुछ भी लैग नहीं करता, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली वर्क करता अपना माइनक्राफ्ट। तो भाई आप थोड़ा थोड़ा दूर पे बनाना, अगर भाई आपको स्पॉन करना होगा क्राफ्ट करना होगा तो थोड़ा थोड़ा दूर पे क्राफ्ट करना। ये भाई एपिकेस्ट मोड थे भाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एपिक मोड्स हैं, जो कि भाई मैं और भी इसका सेकंड पार्ट भी ला सकता हूँ। अगर भाई आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, तो भाई इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना मत, आप लाइक गेम कंप्लीट करा देना। जैसे आप लाइक गेम कंप्लीट कराते हो तो भाई इसका सेकंड पार्ट यार डेफिनेटली आने वाला है, और सेकंड पार्ट में इससे भी ज़्यादा एपिक मोड्स होने वाले हैं। सो गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई लाइक करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यार ये वीडियो बनाने में। एंड भाई मैं रात के 4 बजे तक बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं टाइम दिखा दूँ तो 5 बज चुके हैं यार, 5 बज चुके, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, मैं सोया नहीं हूँ भाई। मैंने सोचा कि भाई आप लोग का इतना प्यार एंड सपोर्ट आ रहा है तो भाई मैं वीडियो बना के ही सोऊंगा। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, 5 बज रहे, वीडियो बनाने के बाद सोऊंगा एंड सुबह उठ के एडिट करूंगा। तो अगर भाई आपको मेरा मेहनत अफोर्डेबल लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, 700 लाइक का एम है, तो प्लीज़ यार कंप्लीट करा देना। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर भाई आप न्यू व्यूअर हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और 17K का नेक्स्ट गोल है आई थिंक, तो इस वीडियो के बाद हमारा 17K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। जो भी नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर देना, जितने भी न्यू व्यूअर्स है सब लोग सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर, जिस जो भी भाई माइनक्राफ्ट खेलता है, मोड्स पसंद है, तो प्लीज यार ये वाला वीडियो उनके पास शेयर कर देना। एंड मेरा एक शॉर्ट चैनल है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसके ऊपर यार ऑलमोस्ट 500 का एम रखा हुआ है, 500 सब्सक्राइबर्स का। तो इस मंथ के एंड तक यार प्लीज यार उसके ऊपर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, तो और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एपिक शॉर्ट वीडियोस में डालता हूं, अगर आपको पसंद है तो भी सब्सक्राइब करना, और ऐसे सब्सक्राइब करना होगा तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। एंड इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड सर्वर भी जाके चेकआउट कर सकते हो अगर। तो चलो अभी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।